आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल में। आज हम देखेंगे क्लास सिक्स साइंस का 12th चैप्टर प्रकाश। जब हम किसी अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं तो आंखें खुली रहने पर भी कमरे में रखी हुई वस्तुएं हमें क्या होती है, दिखाई नहीं देती। जब बल्ब चलाते हैं तो हमें चारों ओर की वस्तुएं दिखाई देती है। वस्तु तो देख पाने के लिए हमें जो प्रकाश की आवश्यकता होती है, जब वह प्रकाश वस्तुओं से टकराने के लिए हमारी आँखों तक पहुँचती है तब हम देख पाते हैं। मतलब किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, और जब प्रकाश हमारी आँखों से टकराता है तो हम वस्तु को देख पाते हैं। जो प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत होता है जैसे सूर्य का प्रकाश, और एक मानव निर्मित जैसे बल्ब होते हैं, वो मानव निर्मित प्रकाश होते हैं। अब वायु में प्रकाश की चाल क्या होती है, बहुत अधिक होती है, ये लगभग 300,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। प्रकाश की तीव्र गति के कारण ही हम किसी बल्ब जलाने और उसके प्रकाश को दीवार तक पहुंचने के लिए के लगे समय को नोट नहीं कर पाते। और जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने मिनट में पहुंचता है, 8 मिनट में पहुँचता है। अब ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध पे आ जाते हैं तो उसे ग्रहण बोलते हैं। तो इस प्रकार की घटनाओं को जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक साथ रहते हैं तो उसे चंद्र ग्रहण बोलते हैं। और जब फिर क्या दिया हुआ है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब जो चंद्र ग्रहण है वो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी एक साथ आ जाती है, और अगर चंद्रमा इधर आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, सूर्य ग्रहण। तो चलिए, पूर्णिमा की रात में पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होता है, किस दिन, पूर्णिमा की रात में। और कभी कभी क्या होते हैं, जब तीनों एक ही तल पर सीधे रेखा में होते हैं तो चंद्रमा सूर्य द्वारा बनी पृथ्वी की परछाया से होकर गुजरता है, और इस स्थिति में पृथ्वी किसी भी हिस्से से चंद्रमा का वह भाग नहीं दिखाई देता जो पृथ्वी की परिछाया में होता है। इस घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं, पृथ्वी की परिछाया नहीं दिखाई देता तो। और कभी कभी जब पूरा चंद्रमा पृथ्वी की परिछाया से होकर गुजरता है तब इसे हम पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं, और जब चंद्रमा का कुछ हिस्सा पृथ्वी की परिछाया से होकर गुजरता है तो उसे खंड चंद्र ग्रहण कहलाता है। तो इसमें एक तो चंद्र ग्रहण के बारे में बताया गया है, एक दूसरा पूर्ण चंद्र ग्रहण, और एक खंड चंद्र ग्रहण, तीन चीज़ के बारे में बताया गया। अमावस्या के दिन चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, कभी कभी जब तीनों एक ही तल पर सीधे रेखा में होते हैं तो चंद्रमा द्वारा सूर्य का कुछ हिस्सा नहीं दिखाई देता, वह पृथ्वी से नहीं दिखाई देता, इस घटना को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। जैसे ये डायग्राम में दिखाया गया है, पृथ्वी का वह क्षेत्र जो चंद्रमा की परिछाया में आता है, और जब जहाँ चंद्रमा द्वारा सूर्य को पूरी तरह ढक लिया जाता है तो वह पूर्ण सूर्यग्रहण कहलाता है। तो सीधे सीधे हमें इसकी स्थिति को याद रखना है कि इसका जो डायग्राम है वो कैसा रहता है, तो हम इसकी परिभाषाओं को लिख सकते हैं, हमें याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। हम जब प्रकाश किसी चमकदार सतह से टकराता है तो प्रकाश की दिशा में क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, और इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन, जैसे कि ये सीधे प्लेट है इसमें से प्रकाश टकराए तो इस दिशा में चला जाएगा, तो इसी दिशा में जो परिवर्तन होता है उसको हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जल की सतह भी दर्पण की भांति कार्य कर सकती है और तथा प्रकाश के मार्ग को बदल सकती है। ठीक है दोस्तों, ये हुआ हमारा जो प्रकाश का जो छोटा चैप्टर था वो ख़त्म हो गया।